राधे राधे। जंगल में सुबह जब हिरण उठता है तो सोचता है कि अगर मैं आज पूरे जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। और उसी जंगल में जब सुबह शेर उठता है तो वो भी सोचता है कि अगर मैं पूरे जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। तो ध्यान रखना, चाहे हिरण हो चाहे शेर हो, भागना सबको पड़ता है। तो अपन भी भागते हैं अपने टारगेट के पीछे, और अपना टारगेट है नीट जी। और अपन पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में अपना टॉपिक चल रहा था मेटालिक सॉलिड। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं मेटालिक सॉलिड की, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड की अगर बात करें तो देखिए आप आवर सारणी आप देखें, प्रेडिक्टेबल आपके सामने है। इस प्रेडिक्टेबल में इस साइड ये जितने भी इस कलर से शो कर रखे हैं ये सारे मेटल हैं। इस प्रेडिक्टेबल में या आवर्त सारणी में यहां पर देखिए एक सिड्डी बनी हुई है, ठीक है। इस सिड्डी के इस साइड ये सारे मेटल है, सिड्डी के इस साइड सारे ये नॉन मेटल है। और ध्यान रखना इस सिड्डी पर ये है मेटलॉइड। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि मेटल्स की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना प्रकृति में मेटल की संख्या बहुत ज्यादा है। अपन बात कर रहे थे मेटालिक सॉलिड की, ठीक है। तो ध्यान दें, ये मेरे पास मेटल है, कोई सा भी हो सकता है। इनमें क्षार धातु, क्षार मृदा धातु, संक्रमण धातु और एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्लासिफिकेशन आप पढ़ चुके हैं पीछे 11वीं क्लास में। तो ये मेटल है, अगर मान लो ये मेटल, इस मेटल को अगर मान लो मैं शो करूं तो देखो, इस मेटल को ऐसे शो करूंगा मैं, ये इसका न्यूक्लियस नाभिक, ये पहला कोश, दूसरा कोश, ये तीसरा कोश और ये चौथा कोश। इसको आप कहेंगे के, ये एल, ये एम और ये एन। ये जो एन है, इस एन में आपके पास होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा ये न्यूक्लियस और बचे हुए कोश ये कहलाएंगे कर्नेल। तो दो चीज बता दी, एक मैंने बता दिया कर्नेल और एक बता दिया संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये मेटल क्या करता है भाई, जैसे मान लीजिए अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम में बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन को आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे और उसके अंदर जो बच गया वो कहलाएगा कर्नेल। जैसे मान लीजिए सोडियम की बात करें, ये सोडियम कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये जो 3s1 है ये हो गया इसका क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अब जो ये जो कोश बच गए, न्यूक्लियस बच गया, वो सारे के सारे कर्नेल कहलाएंगे। तो ध्यान रखना ये मेटल है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे m+1 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 m+1, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ये उसका इलेक्ट्रॉन रहा, ठीक है। एक सिद्धांत है डूडे लोरेंज का, तो डूडे लोरेंज ने कहा था कि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र बनाते हैं, और इस समुद्र में ये कर्नेल डूबे रहते हैं। ये लो, सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बनाते हैं जिसमें एक कर्नेल डूबे रहते हैं। अब ध्यान दें, ये एम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस प्लस माइनस के बीच एक अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को आप मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ध्यान रखना
मेटेलिक बॉन्ड या इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है उसकी बात करो तो ये तो हो गया कर्नेल। और ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन जो इसने रिलीज कर दिया। तो इस कर्नेल के बीच और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो इसने त्याग दिया, जिसके मैं आप कहूंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच और इस कर्नेल के बीच यहां जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को ही मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है भाई, देखिए यहां ये आपके पास सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, रिलीज कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रहे, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बढ़ा देंगे और इस समुद्र में ये Na प्लस वन कर्नेल डूबा हुआ है। तो मेटल्स के एग्जाम्पल बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे मेटल्स ही हैं भाई। ठीक है, मरकरी की बात करें, मरकरी लिक्विड है, ठीक है ना भाई। तो कुल मिला के बात यहां पर ये हो गई भाई पहला। चलो आगे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट अवयवी कण। तो मेटेलिक सॉलिड में अवयवी कण कौन होंगे? धातु धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो धातु धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें अवयवी कण होते हैं। इन अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मेटेलिक बॉन्ड है वो M प्लस वन के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच पाया जाता है। किस किस के बीच? M प्लस वन के बीच और ये दो। तो M प्लस वन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच ये जो अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे बताएं? मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे। ये जो अट्रैक्शन है ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ध्यान रखना इनके गलनांक के मान उच्च होते हैं। का भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति तो ध्यान रखना कठोर होते हैं, धात्विक ठोस कठोर होते हैं। पांचवा गुण ले लें, विद्युत चालकता, विद्युत धारा का चालन करते हैं। और विद्युत धारा का चालन क्यों करते हैं? थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ध्यान रखना धात्विक ठोस विद्युत धारा का चालन करते हैं। धात्विक चमक इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण पाई जाती है। धात्विक चमक है, विद्युत चालकता है, वो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। एक चीज और, ये ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में भी विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में भी ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गए इनकी प्रॉपर्टीज। और उसके बाद में अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया। ठीक है, और धात्विक ठोस या मेटेलिक ठोस में जो अवयवी कण हैं वो मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु की एक प्रकृति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिवली चार्ज में चेंज हो जाता है। अब इन पॉजिटिव चार्ज आयन को कर्नेल कहा जाता है। इस कर्नेल के बीच और इन फ्री इलेक्ट्रॉनों के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसी अट्रैक्शन को यहाँ मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बनाते हैं और इसी समुद्र में धातु धनायन डूबे रहते हैं। ये जो मेटेलिक बॉन्ड है कर्नेल और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है
मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच जो बॉन्ड है वो मेटलिक बॉन्ड है, और ये मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर होते हैं इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये था मेटलिक सॉलिड। इनके एग्जांपल्स हैं जितने भी मेटल हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया।